वेलकम टू क्यूरियस सेंटर। दोस्तों आज के लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जो दोस्तों यह वीडियो संबंधित है जनगणना 2021 से, यानी सेंसस ऑफ इंडिया 2021। दोस्तों यह आजकल का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक बना हुआ है, लेकिन इसकी सही जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है कि आखिर 2021 की जनगणना कब से होगी, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं यह जनगणना 2020 से ही स्टार्ट होने वाली थी लेकिन ये हुई नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2021 की जनगणना कब से होगी। यह न्यूज़ एकदम ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ जनगणना से संबंधित कुछ पिछले साल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह का लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जो जनगणना है वह 1881 में पहली बार हुई थी। उसके बाद दोस्तों 1881 से 1931 तक जनगणना में मतलब जातिगत जनगणना शामिल थी। 1941 से जातिगत जनगणना को हटा दिया गया, यानी जनगणना सिर्फ होती थी एस सी एस टी वालों की गिनती होती थी लेकिन उसमें ओबीसी की गणना नहीं होती थी। और आप सभी को पता है कि इस समय का जो मुद्दा बना हुआ है वह है कि जातिगत जनगणना की जाए या न की जाए। आप सभी को पता है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो जनगणना है इस बार जातिगत जनगणना हो, यानी कितनी जातियां हैं हमारे देश में, उनकी संख्या कितनी है, इन सभी बातों का भी जिक्र किया जाए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर यह नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि आखिर यह जनगणना कब से होगी, क्योंकि आप सभी को पता है हर एग्ज़ाम में जनगणना से संबंधित 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जनसत्ता न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से जनगणना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए दिया भी है 30 सितंबर 2020 से शुरू होगी लेकिन हो नहीं पाया, और 2 बार लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से टालता गए लोग। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों 2021 की जनगणना किस आयुक्त या महापंजीयक के निर्देशन में होगी। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है विवेक जोशी। दोस्तों डॉक्टर विवेक जोशी जो है 2021 जनगणना के चेयरमैन बनाए गए हैं, और इन्हीं के द्वारा जनगणना की देखरेख में मतलब पूरा सेंसस किया जाएगा। दोस्तों इस जनगणना से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है कि इस बार की जनगणना जो है दोस्तों वह पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। यहाँ पर देखिए उसके लिए इस साल 2021-22 में बजट भी पारित हो चुका है, जो कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 3768 करोड़ का बजट इसके लिए पास किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये उन्होंने 1 फरवरी 2021 को ही बजट जब अनाउंस किया था तभी इसके बारे में बताया था कि इस बार का पहला जो है डिजिटल सेंसस किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर आपको मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर विवेक जोशी जो हैं इसके चेयरमैन बनाए जा चुके हैं, और इन्हीं की देखरेख में इस बार की जनगणना होगी। और दोस्तों इस तरह के कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। इस बार पहले कम क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन इस बार 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया भी गया है कि क्या क्या पूछे जाएंगे, और यह एक मोबाइल ऐप के द्वारा भी हो सकती है इस बार की जनगणना। और दोस्तों मैंने एक ईमेल भी सेंड किया हुआ है और आरटीआई भी लगाया हुआ है कि आखिर सेंसस कब से स्टार्ट होगा, उसका जवाब जैसे ही आएगा तो एक नया वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा और इन्फॉर्मेटिव एकदम करेक्ट ऑथेंटिक के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का
जो भी चर्चित मुद्दा रहेगा करंट अफेयर से संबंधित बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा वही डाला जाएगा। दोस्तों यह सेंसस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊँगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया सेंसस 2021 मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और यहाँ पर यह है सेंसस 2021 सर्कुलर। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वह मार्च 2020 का ही आया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि सेंसस ऑफिसर्स का ड्यूटी किस ऑफिसर्स का कहाँ कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर पीडीएफ भी है, हम लोग डाउनलोड करेंगे और आप देख सकते हैं 17 मार्च 2020 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जिन ऑफिसर की ड्यूटी है उनको अपॉइंटमेंट किया जा चुका है और सेंसस शुरू हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि 2022 तक सेंसस पूरी तरह से शुरू हो जाए और 2023 तक आंकड़े उपस्थित हो सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा और हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नमस्कार।